वेलकम गाइस, पांड यूट्यूब प्रयागराज में मैं आतिथ मित्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, लास्ट क्लास में हमने फ्रेम सेट पढ़ा था, ठीक है। फ्रेम सेट टैग जो कि एचटीएमएल 4 का लास्ट है, इसके बाद आपका एचटीएमएल सिर्फ एक क्लास बची हुई है, एक थियरी और एक प्रैक्टिकल, उसमें सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। फिलहाल हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग फ्रेम सेट का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि फ्रेम सेट होता क्या है। चलिए स्क्रीन पे ये हमारा खुला हुआ है, चलिए इसको ही हम चेंज कर लेते हैं, नई फाइल नहीं बनाते हैं और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, फ्रेम सेट। अब हम लोग यहाँ पे फ्रेम बनाना सीखेंगे, तो इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव कर दिए। हमने कहा है चाहे आप हेड में यूज कर लीजिए, लेकिन आप कहां यूज करोगे, बॉडी से ऊपर, तो हम हेड में ही यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया क्या कि हमने आपको बताया कि आपको लगाना है फ्रेम सेट टैग और इसको आपको क्या करना है, इंटर कर देना, ओके। चलिए भाई, अब हमको हमने आपको बताया कि फ्रेम सेट लगाने के तरीके हैं। पहली चीज तो हम उसको रो वाइज बांट सकते हैं, दूसरी चीज उसको हम कॉलम वाइज बांट सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग रो वाइज देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे रोज इक्वल टू, अब हमने कहा कि ये वैल्यू आपको दो में देनी है, या पिक्सल में दे सकते हो या तो आप उसमें दे सकते हो। चलो हम इसको क्या देते हैं, 75 पिक्सल, ठीक है, कॉमा। अब हम दे देते हैं 125 पिक्सल, कॉमा, और दूसरा तीसरी वैल्यू हम दे देते हैं क्या, मान लो दे देते हैं 60 पिक्सल, ठीक है। इस तरह से हम पिक्सल में दे सकते हैं। अब हमें क्या यूज करना है, तीन फ्रेम यूज करने हैं, तो हम यहाँ पे फ्रेम टैग यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे तीन फ्रेम बन गए, ठीक है। एक बार सेव करके इसको देख लो, इस फोल्डर में है फॉर्म के नाम से, इसको हम ओपन विथ क्रोम कर लेते हैं। अब देखिए ये लाइनिंग आपको दिख रही है गाइस, अब ये फ्रेम आपका रो में बढ़ चुका है, एक रो, दो रो, तीन रो, ठीक है, तीन रो में बटा हुआ है और इसकी फ्रेमिंग हुई है तीन रो में, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें आते हैं, एक हमने होम के नाम से बनाया है, ठीक, होम लिंक, तीन पेज तो मिल जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, हम एब्सोल्यूट रेफरेंस ही यूज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेम फोल्डर में नहीं है, हमें एक बार लोकेशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे है, हम SRC दे देंगे, https://, यहाँ पे देंगे google.com, यहाँ पे चलते हैं, सॉरी ये कुछ गलत हो गया, तो
ये गूगल का यूआरएल नहीं ले रहा है। चलो भाई हम दूसरे टैब में देख के इसके यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं, google.com। इसको हटा के इसको हम करते हैं पेस्ट। अब रन कराते हैं भाई। यहाँ पे ये रिफ्यूज कर रहा है गाइस, कोई दूसरा देख लेते हैं फिलहाल। लेकिन आप इसमें इस तरह से लोकेशन दे सकते हैं, अदरवाइज चलिए हम कोई पेज लगा देते हैं। कहाँ गया भाई पेज? ये है होम। होम के नाम से इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, इसके लोकेशन को हम कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा शॉर्टकट अपनाने की कोशिश किया लेकिन वो हुआ नहीं, तो चलो इसको दे देते हैं, स्लैश लगाते हैं होम डॉट डॉट HTML। सेव करते हैं, वापस चलते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक इसकी स्क्रॉलिंग आ गई, ये होम पेज आ चुका है इस फ्रेम में। ठीक है, इसी तरह सेम आप फ्रेम टू दे सकते हो। यहाँ फ्रेम टू के SRC में हम दे देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं भाई। अब यहाँ पे होम टू लिखा हुआ है मेरे अंदाजे से, ऐसा कोई है नहीं। लियो भाई क्या है, होम टू, इसकी भी लोकेशन हमको कॉपी ही करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी में आते हैं। चलिए भाई सॉरी STM फाइल है वो, चलो इसको हम सुधार देते हैं, HTML की जगह पे STM फाइल कर देते हैं। जिस एक्सटेंशन में बना है उसी एक्सटेंशन को रखेंगे। चलिए इसको इंटर करते हैं, ये दूसरा आ गया। ठीक है, इसमें कुछ भी वैल्यू डालोगे। ठीक है, ये हमने फॉर्म बनाया। इस तरह से आप तीसरे तो मल्टीपल पेज आप फ्रेम में बना सकते हो, सेम चीज आप कॉलम में कर सकते हो। चलिए जहां आपने रो लिखा हुआ है अब इसको हम क्या कर देंगे, कॉल्स में कर देंगे, कॉल्स हो गया। इसके पिक्सल की जगह अब हम लोग क्या यूज कर लेंगे भाई, परसेंटेज यूज कर लेंगे। तो पहला जो फ्रेम हो वो 30% का हो कॉमा, दूसरा जो हो वो हमारा 40% का हो, और लास्ट वाले को हमने आपसे कहा था चाहे आप एस्ट्रिक लगा दो वो रिमेनिंग पार्ट को शो करता है। चलिए यहाँ पे हम आते हैं और इसको इंटर करते हैं। ये फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 2 है और वो फ्रेम 3 है। तो इस तरह से आप अपने फ्रेमिंग को क्या कर सकते हो, रो वाइज बांट सकते हो, कॉलम वाइज बांट सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो आपने देख लिया। अब इसमें अगर हमको क्या लगाना हो, बॉर्डर लगाना हो, बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे हम दे देंगे 5px।
एक गलती हुई है, ये फ्रेम सेट बॉर्डर। यहाँ पे कंट्रोल एक्स करें, इसको हम पहले यूज कर लें। ये 5 पिक्सल ऑलरेडी है क्या भाई? एंड पिक्सल करो। ये देखिए कुछ मोटा हुआ है, अब ये 10 पिक्सल का है। थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे तो इसका बॉर्डर आपका और बढ़ जाएगा। चलिए हम 20 पिक्सल कर दे रहे हैं। देखिए और मोटा हो गया ये बॉर्डर, देख रहे हैं। तो ये बॉर्डर को हम क्या कर सकते हैं, यहां से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब हमने आपको फ्रेम स्पेसिंग पढ़ाई है। क्या पढ़ाई है? फ्रेम स्पेसिंग। चलिए हम यहां पे दे देते हैं फ्रेम फ्रेम स्पेसिंग इक्वल टू, अब यहां पे हम दे देते हैं भाई 15 px का। दो फ्रेम के बीच की दूरी क्या हो जाए? 15 px। अब ये देखिए ये थोड़ा सा आपका इधर भागा हुआ है, ठीक है। ये आपको करेंगे प्रैक्टिकली, शायद इस पे ना दिख रहा हो लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा। ओके चलिए, हर फ्रेम के बीच में आप स्पेस को दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमने आपको बता दिया था। अब फ्रेम के भी एट्रीब्यूट हैं, हमने एसआरसी दिया, नेम दे सकते हैं, हालांकि नेम शो नहीं होगा। नेम यहाँ पे हमने दे दिया फ्रेम 1, ठीक है। दूसरा आप दे सकते हैं इसमें मार्जिन हाइट, यहाँ पे दे देते हैं 150 px। इसी तरह मार्जिन विड्थ दे सकते हैं, इसकी विड्थ हम कर दे रहे हैं भाई 450 px, ठीक है। स्क्रॉल यूज कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आप यूज करके देख सकते हैं। जो हमने आपको थ्योरी में समझाई है वही चीज, ठीक है। अब देखिए मार्जिन में, ये देखिए ऊपर की मार्जिन क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो ये फ्रेम आप यूज कर सकते हैं। फ्रेम को आप रिसाइज भी कर सकते हैं, देखिए आप घटा बढ़ा सकते हैं अगर आपको इसको यूज करना है। ये जैसे लास्ट फ्रेम को हमें इधर करना है, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे रिसाइज करते हैं। ओके, जब आप इसको फ्रेम मार्जिन विड्थ हाइट करते हो तो ऑटोमेटिक, अब चूंकि इसकी विड्थ को ही बढ़ा सकते हैं, हाइट तो ऑलरेडी ये लिया हुआ है, तो अगर अब इस फ्रेम को हम इतना छोटा कर सकते हैं, अब इसकी देखिए विड्थ को क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। जहां आप जितना मैनेज इस फ्रेम को करना चाहते हो उसको करो, जितके इसके कंटेंट को पढ़ना है, अब हमने विड्थ दिया है तो इसके कंटेंट को हम यहाँ कर देंगे। अब चलिए जो आपका कंटेंट थोड़ा था वो आपको दिख रहा है, देखिए सेम, ठीक है। किसी की भी हाइट और विड्थ को आप जब लगाते हैं मार्जिन विड्थ और मार्जिन हाइट तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है क्या करना है कि हमको फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम सेट यूज करना है ना। फ्रेम के अंदर हम क्या यूज करेंगे? फ्रेम यूज करेंगे। तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक। चलिए अब ये फ्रेम 2 है ना, इस फ्रेम 2 को हम क्या करना चाहते हैं,
कि दो फ्रेम में बांटना चाहते हैं। ठीक, तो फ्रेम टू के ऊपर आते हैं। पहले यहां पे हम क्या यूज करते हैं, फ्रेम सेट यूज कर लेते हैं। ठीक, अब इस फ्रेम सेट को हम यहां से हटा के इसके नीचे यूज कर लेते हैं। अब इसको हमने कॉलम में बांटा है ना, अब इसको हम रोज में बांट देते हैं भाई। रोज इक्वल टू यहां पे हम कर देंगे 50% कॉमा रिमेनिंग 50%। अब इसके एक फ्रेम को और हम कॉपी कर लेते हैं, अब यहां पे इसको हम हटा के शायद इंडेक्स के नाम से बनाए, इंडेक्स डॉट html के नाम से बनाए। अब इसको हम सेव करते हैं, अरे टाइप करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये कॉलम में बटा हुआ था, इस फ्रेम को उसने क्या किया, रो में बांट दिया, दो रो में बांट दिया। चाहे आप रो में बांटो, रो में बटा है तो कॉलम में बांट सकते हो, कॉलम में बटा है तो रो में। ये फ्रेम अलग है और ये फ्रेम आपका अलग है, कोई भी फ्रेम आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको बोलते हैं नेस्टेड फ्रेमिंग। ठीक है, नेस्टेड फ्रेमिंग के थ्रू ही आप फ्रेमिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका ओवरऑल फ्रेम सेट टैग, जिसका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करके दिखा दिया, बॉर्डर दिखा दिया, फ्रेम सेट के बारे में दिखा दिया। ठीक है, और यहां पे फ्रेम को बांटना भी हमने सिखा दिया। गाइस आप एक काम और कर सकते हो, ठीक है, वो काम क्या है कि आप टारगेट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। यहां पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आपने एक पेज बनाया, आपको एक लिंक हिंट दे रहा हूं, उसके बाद आप यूज करिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो उसको हम आपको बाद में डिस्कस कर देंगे। अब यहां पे हमने एक पेज बनाया जिसमें हमने लिस्ट एक लिंक बना दिया, उस लिंक पे क्लिक करो इस फ्रेम में शो हो, उस लिंक को क्लिक करो तो इस फ्रेम में शो हो, इसको क्लिक करो तो यहाँ पे से शो। तो इसके लिए जैसे आपने ये यथार्थी यूज किया है, एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट, टारगेट अगर आपने जैसे कर दिया, नेम दिया फ्रेम वन, तो फ्रेम टू करोगे तो उसका पेज जो दिया है वो कहाँ से होगा, फ्रेम टू में शो होगा। लिंक कहाँ से होगा, फ्रेम टू में। टारगेट में आपको देना है फ्रेम टू, फ्रेम का नाम, जिस फ्रेम में आपको शो कराना है उस फ्रेम का नाम दोगे। ठीक है, तो गाइस इतना आप होमवर्क कीजिए, यहां से आपका टोटली HTML4 खत्म हो जाता है। HTML5 अब हम आपको सीधे बताएंगे कि वेबसाइट कैसे बनाएं, वेबसाइट के मेन पार्ट क्या होते हैं, उसमें 5-6 पार्ट मेन होते हैं। ठीक है, उसमें से आपके 6 टैग बढ़ जाते हैं, 2 टैग आपको मैंने HTML में नहीं पढ़ाया है, वो है ड्यू और स्पैन, जिसको मैं इसी में यूज करूंगा HTML5 में। क्यों हम उसको डिवीजन, क्योंकि ड्यू के माध्यम से आप लेआउट बना सकते हो। ठीक है, और स्पैन के माध्यम, स्पैन का कहाँ यूज होता है वो चीज हम आपको बताएंगे। जब हम कोई चीज स्पैन टैग में लेते हैं, ड्यू टैग में लेते हैं, उसका क्या मतलब होता है। ड्यू मतलब डिवीजन और स्पैन का मतलब है, दोनों का काम कंटेनर की तरह होता है, दोनों एक कंटेनर ही बनाते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको हम HTML5 में ही कवर करेंगे और कैसे लेआउट बनाएंगे उसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। तो यहाँ से HTML4 खत्म हो जाता है। आप लोग गए एक टैग कहीं से भी मिस मत कीजिएगा, जितना हो सकता था, जितना मैं डिफाइन करता कर सकता था उतना मैंने कर दिया आपके सिलेबस के हिसाब से। ये कम्प्लीटली है कि एक बार नहीं 3 बार वीडियो देखो, लेकिन टैग छोड़ना मत।
ये टैग ही आपके ऑप्शनल क्वेश्चन जो ये सार तीन, और प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको ये लिखने के लिए जो आप लिखोगे जो ये 60 नंबर के क्वेश्चन आए, कोई भी इस तरह से बना के दे दिया भाई इस तरह का फ्रेम है आप बना के दो, इसकी कोडिंग करो, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप जारी रखिए, आगे चीजें और भी आसान होंगी। अब कुछ नहीं बचा है, अब मैक्सिमम 4 वीडियो 5 वीडियो आपके उसमें रहेंगे, इससे अधिक वीडियो नहीं होंगे किसी भी उसके। CSS आपका मैक्सिमम 4 से 5 वीडियो जाएगा, थियरी और प्रैक्टिकल की अलग अलग, ठीक है। ऐसे 4 और 5 क्लास आपकी जावास्क्रिप्ट की होगी, कुछ नहीं है, केवल आपको ब्रीफ आपको समझाया गया है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो फोटो एडिटर वाला है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उसको मैम ने आपको पढ़ा ही दिया है, यहाँ से आपका सेकेंड पेपर खत्म हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब हम सीखेंगे HTML5 लेआउट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजों को हम लोग अब सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो था बेस आपका मेन जरूरत बेस की थी, वो बेस मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। तो चलिए गाइस अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।